ऊर्जा अर्पण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये टाटा पावर DDL का एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पांसिबली यूज करें। इनिशिएटिव को आगे ले जाते हुए हम लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है ऊर्जा अर्पण कैटलिस्ट। इसमें हम उन लोगों को फीचर करेंगे जिन्होंने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपांकर अरोरा जिन्होंने हाल ही में एक इलेक्ट्रिक कार खरीदी है। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो ऊर्जा अर्पण कैटलिस्ट। थैंक यू मैम। आप हमें ये बताना चाहेंगे कि ये ईवी कार लेने का ख्याल आपको कहाँ से आया? मैं शुरू से काफ़ी एनवायरनमेंट कॉन्शियस सिटीजन रहा हूँ और हमेशा से कुछ ना कुछ कोशिश रही है कि एनवायरनमेंट के प्रति मैं कुछ करूँ, और जब ये ईवी कार्स आई तो मुझे लगा आई थिंक दिस इज द राइट चॉइस फॉर मी एंड आई शुड गो फॉर इट। और उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके बाद टेस्ट ड्राइव करी। ड्राइव बहुत स्मूथ थी और एब्सोल्युटली साइलेंट था, तो मुझे बहुत कम्फर्ट लगा, फैमिली को बहुत कम्फर्ट लगा और मुझे लगा आई थिंक वी शुड गो फॉर द ईवी का। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ईवी के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका एनवायरनमेंट के प्रति है, क्योंकि आप कोई भी पॉल्यूटेंट, हार्मफुल पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं कर रहे, सो दिस इज एब्सोल्युटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली ईवी का। और दूसरा जो इसका मेजर बेनिफिट है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपने देखा इलेक्ट्रिक कार लेना और उसे मेंटेन करना कितना आसान है और इसके फायदे बहुत सारे। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ही तरह लोग आगे आएं और एनवायरनमेंट के प्रति स्टेप्स लें और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतर कल बनाएं। हम आने वाले समय में ऐसे ही ऊर्जा अर्पण कैटलिस्ट को आपके सामने लाते रहें। टिल देन टेक केयर।